आप सबको वरदान से भरपूर करेंगे फिर लास्ट में सब खड़े होंगे दृष्टि वरदान लेंगे लेकिन दादी जी बोलने के बाद ठीक है और वरदान मेरी दृष्टि कैसे देंगे पूरे विश्व का सरकार करना है लेफ्ट लेफ्ट हैंड नहीं राइट देवताएं कभी लेफ्ट हैंड नहीं उठा बोलो हाथ उठा सो नहीं बोलो मेरे हाथों से ऐसे नहीं ठीक से करो आंगुली ऐसे भी नहीं ढंग से एक्शन सही होना चाहिए मेरे हाथ से सकाश सकाश निकल रहा है बहाने अगर
गिनती करें तो 500 बहाने आप बता सकते हैं। निश्चय बुद्धि वाली आत्मा के पास कोई बहाना नहीं रहता, कोई बहाना। बड़े बड़े तपस्वी बने, योगी बने, वो बने, बाबा सबको अपना बच्चा बनाने के लिए है। कितना सरल पाठ पढ़ा है। और सारे संत महात्माओं ने तो बड़े बड़े परिश्रम किए, बड़ी बड़ी मेहनत किए। जब गुरु शंकराचार्य ने जब शादी नहीं कर रहे थे तो जाके जल में खड़े हो गए और माँ से कहा, माँ मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तू कह दो तेरी शादी नहीं करूंगी तो ये छोड़ देगा, नहीं तो नहीं छोड़े। तो बेटा ठीक है, मैं तेरी शादी नहीं करूंगी। तो निकल आए बात, कैसी कैसी युक्ति रच करके लोगों ने अपने जीवन को बचाया है। तब आज संसार के अंदर उन्होंने इतना नाम कमाया, प्रसिद्ध होता। इसलिए बाबा का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, अभी ऐसी बहुत बच्चियां हैं यहाँ पे बैठी हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो कोई कुछ बहाना बताती है, कोई कुछ बहाना बताती है। कोई आगे पूछ रहे थे, वो कहते हैं मैं अपनी बहन से पूछूंगी, डॉक्टर बनाने से पूछूंगी। अरे भाई इतने मरोगे उधर किसी से पूछो तो मजाक कर, और मरने में किसी की उम्र कोई यथार्थ नहीं है कि 50-100 साल का ही होगी मरेगा तो कभी भी जा सकता। तो ये मरना कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, इस मरने से पाइए पूर्ण परमात्मा। परमात्म प्राप्ति और भविष्य भाग्य को उज्जवल करना यही हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को हम सभी ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। आप सभी शक्तिशाली हैं, कमजोर कोई भी नहीं है। इतने संसार के काम बड़े बड़े आप करते हो तो क्या ही ईश्वर का काम नहीं कर सकते। तो निश्चय बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ अपने आत्मबल को बढ़ाना। क्या भैया क्या सिखा रहे हैं आपको, आपकी आत्मशक्ति बढ़े, आपका विश्वास बढ़े, आपके अंदर प्रेम बढ़े, आपके अंदर वो जागृति आवे जिससे आप जगत को रोशनी दे सके। एक दिया जलता है कितने लोगों को रोशनी देता है। आप यहाँ कितने दीपक बैठे हो, इतने दीपक सब जग जाए तो संसार सारा रोशन हो जाए। अभी तो एक मोहल्ला भी रोशन नहीं हुआ। इसलिए आप सबको ये हमारी दुआएं हैं, इस पढ़ाई को ऐसे पढ़ो, इतना अच्छा पढ़ो, इतना अच्छा योग लगाओ, उसके लिए लगाओ रात में। भैया मेरे 8 बजे आना, 8 बजे देखा मैं तो नहीं आई, लेकिन बहुत लोग हमने सुना सवेरे 4 बजे आ गए, आ करके बैठे, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे को इतना लगा हुआ कमाल है बाबा, कमाल किसकी कहें, बाबा की कहेंगे रमेश भाई की कहें। बाबा रमेश भाई की बात मान ली, बाबा कहता रोज उठो, बाबा की भी बात मानो है क्या, रमेश भाई दिखाई देते हैं, बाबा दिखाई देते, अब कुछ कहेगा तो नहीं, बाबा से बात कर लेते हो आगे कहेगा नहीं तो। तो ये सब वैसे तो बाबा प्रत्यक्षता का रूप भी दिखाते हैं। दीदी ने हमारी बहन की जमती खाना बना ली तो जीने से सामने ही उसका चूल्हा था, रोटी बना रही थी, सामने आके बूटा था खड़ा हो गया, कहता देखती है उसमें ये कौन है। रोल बाग की बात है, उसने कहा कि एड्रेस उठो, कागज लेके आओ, कलम लेके आओ, एड्रेस नोट करो, वहां जाना आश्रम। तो वो उठी, कागज लेके आई, कलम लेके आई, रोटी तवे वाली चल गई और लिखा, लिखो इतने बटा इतना तरल बाग ब्रह्मा कुमारी सेंटर। उसने लिखा, जब शाम को उसका पति आया, उसने कहा कि बूढ़ा आया था, तो कहते मेरा दिमाग खराब है क्या, बूढ़ा कौन आ गया। तो कहा नहीं, ये एड्रेस लिखा है, चलो देखते हैं शाम का टाइम था। वो गए, देखा कितने बटा इतना मकान नंबर 1 करोड़ बाग
नहीं तो बाहर खड़े नहीं थे तो हमारे वृद्धमोहन भाई के पिताजी माता जी खड़े थे आइए 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 अंदर गए देखा पाली मैं समझा रही थी देखा चित्र के अंदर काली यही बूढ़ा था कर्म वृक्ष के अंदर देखा बैठा हुआ था और ऊपर खड़ा हुआ था यही बूढ़ा मेरे पास गया था तो बाबा ने अपने हर एक बच्चे को जागृत करने के लिए बहुत रूप था और कितने बच्चों को बाबा ने जागृत कर दिया कमाल है बाबा आप एक एक बच्चा बाप समान हो बाबा का बच्चा हो तो आप इतने बच्चे अगर संसार को जागृत करना चाहें तो कर सकते हैं आप पवित्र आत्मा है देखो बाबा के घर के बच्चे सारे कितने पवित्र ब्रह्मचारी कितने कहीं मिलेंगे जितने बाबा के घर में ब्रह्मचारी बच्चे मिलेंगे आपको किसी साधु संतों के और महात्मों के संगठन में भी नहीं मिलेंगे कमाल इसीलिए आप अपने आप को वो शक्ति समझो कि हम जो कोई न कर पाया वो हम काम करके दिखाएंगे इसलिए मैं तो ऐसे आई थी भाषण देने नहीं आई मिलने आई थी मैं रमेश भाई आपकी बहुत ही आगे बता रहे हैं Thank you, Dadi. Thank you.